हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एसएसटी क्लास सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 6। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 एंड टेकन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेसन। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ जानकारी देखी है कि किस तरह से ग्राम सभा आयोजित की जाती है और ग्राम सभा में किन बातों पर डिस्कशन किया जाता है। एक हरदास नाम का विलेज है, वहां पर लोग इकट्ठा होकर अपनी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो बता रहे थे। पानी की समस्या हो या फिर गांव में जो भी कुछ और समस्याएं हो, उनका डिस्कशन इस ग्राम सभा में चल रहा था। और उसके बाद में जो भी कुछ पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले जो भी कुछ लोग हैं, उनकी लिस्ट ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई थी और वहां पर उस ग्राम सभा में वो लिस्ट लोगों को पढ़कर बताई गई थी, सुनाई गई थी। तो लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है। और जो कुछ भी लोग, कुछ लोग गरीब थे फिर भी उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, तो ऐसा क्यों, इस बारे में लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो वहीं पर एक ओम प्रकाश नाम का एक इंसान था जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं था। एक्चुअली वो बहुत गरीब था, फिर भी उस बीपीएल लिस्ट में उसका नाम नहीं था, तो लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था। ओके, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली थी। देखिए, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, देखिए पंचायत के जो प्रेसिडेंट थे सरपंच, नोटिसेस, उनने देखा पीपल विस्परिंग एंड आस्क If anyone has anything to say, उन्होंने कहा, लोगों से उन्होंने पूछा कि आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो, क्या आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। सरोज tries to provoke सूरजमल to ask about नटवर and बिरजू। तो ये जो सरोज थी, ये जो लेडी थी, ये क्या कर रही थी, सूरजमल यानी कि जो सूरजमल नाम का पर्सन था, उसे वो बता रही थी कि तुम नटवर और बिरजू के बारे में सरपंच जी को बोलो कि नटवर और बिरजू के पास बहुत ज्यादा लैंड है, उनके पास घर है, उनके पास जायदाद है, फिर भी उनका नाम गरीबी रेखा के नीचे कैसे आया, इसके बारे में तुम सरपंच से पूछो। तो ये बात जो है, ये सरोज सूरजमल से कह रही थी कि तुम सरपंच को इसके बारे में पूछो। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन सूरजमल उस बात पर खामोश रहा, शांत बैठा रहा। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अब जो उस गांव का एक जमींदार था जिसका नाम था अमीर चंद, वो भी उस ग्राम सभा में बैठा था और वो क्या कर रहा था, लोगों की तरफ देख रहा था कि कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या डिस्कशन शुरू है, ये सब बातों को वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। अब वहां पर एक लेडी जो थी सरोज, वो वहां पर उठकर खड़ी हुई और उसने सरपंच जी से कहा, प्रेसिडेंट से कहा कि जो अपने गांव का ओम प्रकाश है, उसका नाम तो गरीबी रेखा की जो लिस्ट आपने पढ़ी है उसमें नहीं है। एक्चुअल में ओम प्रकाश बहुत गरीब है, फिर भी बीपीएल की जो लिस्ट आपने तैयार की है उस लिस्ट में उसका तो नाम ही नहीं है। Others agree that he and his family are very poor. और गांव के बाकी के लोगों को भी लगा, हाँ अपने गांव का ओम प्रकाश तो बहुत गरीब है, उसका नाम तो इस लिस्ट में होना ही होना चाहिए, वो बहुत गरीब है, he is very poor. The sarpanch asked how his name had been missed out. तो इस बात पर उस गांव के जो सरपंच है, उन्होंने पूछा कि अपने गांव का जो ओम प्रकाश है वो तो बहुत गरीब है, इस लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं आया है, किस तरह से वो मिस हुआ है, क्यों मिस हुआ है, इसके बारे में वो पूछने लगे। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, देखिए फिर क्या हुआ, जिस इंसान ने उसका सर्वे किया था उसने क्या कहा, देखिए फैमिली सेज, वहां पर जाने के बाद क्या कहा उन्होंने, ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। उस इंसान ने कहा, किसने, जिसने ये सर्वे किया था, उसने कहा जब मैं सर्वे कर रहा था तो ओम प्रकाश का जो घर था वो लॉक था, बंद था। He may have gone somewhere to look for work. मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं तो भी काम के लिए गया होगा। द
द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एंड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो वहां पर गांव के जो सरपंच है उन्होंने कहा कि आप ओम प्रकाश के घर पर जाओ, वहां पर सर्वे करो और सही में अगर उसकी इनकम बहुत कम है, वो अगर पुअर है, गरीबी रेखा में आता है, तो इस बीपीएल लिस्ट में उसका नाम जरूर आना चाहिए। इस प्रकार के जो इंटीमेशंस है वो सरपंच जी के द्वारा वहां पर सभी मेंबर्स को दी गई। ओके, इस बॉक्स में देखिए द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। अब किसी भी गांव में ग्राम सभा का आयोजन होना बहुत जरूरी होता है। एक पंचायत का रोल होता है, पंचायत के द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और इसी सभा में गांव के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्यूशंस दिलाना या फिर प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन निकालने का काम इन जैसे मीटिंग्स में किया जाता है। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। और ग्राम सभा में ही या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ग्राम पंचायत एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। वहां पर जो भी कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर्स हो, पंच हो, सरपंच हो या फिर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हो, उनके पास गांव में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोग वहां पर जाकर उनको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन, द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। अब ये जो ग्राम सभा होती है, ये ग्राम सभा क्या करती है कि वहां पर जो भी कुछ मनी होते हैं, जो भी कुछ गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है उसका मिसयूज ना हो, इसके ऊपर देखरेख करने का काम ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। और उसी के द्वारा गांव के लोग जिन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उनका चयन करते हैं वोटिंग के द्वारा, तो उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बताने के लिए या फिर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से चलानी है, ये बात उनको ख्याल में रखने के लिए इन जैसी ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। ओके, कमिंग टू आवर पॉइंट, देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर, वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग, व्हाट वॉज दिस प्रॉब्लम? क्या आपको ऐसा लगता है हरदास विलेज की जो बीपीएल लिस्ट थी, जो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की जो लिस्ट वहां पर तैयार की जा रही थी, क्या वो सही थी? क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था या फिर प्रॉब्लम था तो कौन सा था? व्हाट वॉज दिस प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम था उस लिस्ट में? इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। नंबर टू, व्हाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन द सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सूरजमल बहुत शांत बैठा था, क्वाइट बैठा था? इनफ इवन द सरोज आस्क्ड, यानी कि वहां पर जो एक लेडीज थी सरोज नाम की, उसने सूरजमल को सवाल पूछने के लिए कहा, फिर भी सूरजमल शांत क्यों बैठा? नंबर थ्री, हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन्ड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग? देखिए, क्या आपने ऐसा कभी देखा है? हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स? क्या आपने अभी कभी ऐसा देखा है कि इस तरह की जो सभाएं होती है, मीटिंग्स होती है, तो लोग अपने आप के लिए भी वहां पर सवाल नहीं पूछते हैं? व्हाट डू यू थिंक दैट हैपन्ड एंड व्हाट प्रिवेंटेड द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग? तो ये जो लोग होते हैं ये क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसी कौन सी चीज होती है जो उनको बोलने से रोकती है? नंबर फोर का क्वेश्चन, हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स? अब ग्राम सभा किस प्रकार के काम कर सकती है या फिर जो भी कुछ पंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने का काम ग्राम सभा के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसका आपको डिस्कशन ये चैप्टर रीड करके करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट,
द ग्राम पंचायत। अब यहां तक हमने ग्राम सभा के बारे में जानकारी देखी है बच्चों, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत। इस पार्ट में हम देखेंगे ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, देखिए, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इंप्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। देखिए, अब ये जो ग्राम पंचायत होती है ये एक विलेज में होती है, एक गांव में होती है, और ग्राम पंचायत का काम होता है कि गांव की जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, गांव में जो भी कुछ डेवलपमेंट्स करने हैं, गांव का विकास करने का काम इस ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब जो भी कुछ ग्राम पंचायत के द्वारा काम किए जाते हैं इसका अप्रूव यानी कि उसके लिए जो परमिशन लगती है वो किसकी लगती है, ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा लेकर, लोगों की राय लेकर ही ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो है गांव का जो भी कुछ डेवलपमेंट के बारे में प्रोग्राम्स हो, प्लान्स हो, उनको वो कर सकते हैं। ओके, इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फॉर्म कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। कभी कभी तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी देखे गए हैं, कुछ राज्यों में ग्राम सभा क्या करती है, कमिटीज, अलग अलग कमिटीज का निर्माण करती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज, यानी कि गांव का विकास करने के लिए अलग अलग तरह की कमिटीज का निर्माण इन लोगों के द्वारा किया जाता है। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टूगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। देखिए, अब इस कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं, कुछ लोग गाँव के होते हैं ग्राम सभा में जो आते हैं, एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ लोग ग्राम पंचायत से भी होते हैं जो कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में मिलकर काम करते हैं। इन लोगों का चयन इन जैसी जो कंस्ट्रक्शन कमिटी हो, डेवलपमेंट कमिटी हो, इन जैसी कमिटियों में इन लोगों का चयन किया जाता है। ओके, देखिए यहां पर एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो एक अवार्ड इनके हाथ में दिख रहा है, किस तरह का अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है, देखिए यहां पर दिया गया है टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र। दो विलेज पंच है यानी कि ग्राम पंचायत की क्या है, मेंबर्स है, हु वेयर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सेलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी कुछ ग्राम पंचायत हो, जो भी कुछ मेंबर्स हो, अगर गांव के डेवलपमेंट में उनका अगर बहुत ज़्यादा योगदान रहा, गांव का विकास उन्होंने किया, डेवलपमेंट किया, तो उनको अवार्ड भी दिया जाता है। इसी प्रकार का एक अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट की ग्राम पंचायत के मेंबर आपको यहां पर पिक में दिख रही है, जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, निर्मल ग्राम पुरस्कार, यानी कि गाँव का विकास और गाँव का जो पूरी तरह से डेवलपमेंट है वो उस ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया था, और ये अवार्ड उनको दिया गया था 2005 में। ओके, देखिए अब आगे बॉक्स में दिया गया है द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स। अब ग्राम पंचायत में कौन कौन से वर्क्स किए जाते हैं, कौन कौन से काम समाविष्ट है, देखिए नंबर वन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस। गांव की जो पानी की समस्या होती है, गांव में किस तरह से पानी सप्लाई करना है उसका काम करना, रोड्स यानी कि गांव में रास्तों की जरूरत होती है तो उनको तैयार करना, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स यानी कि जो स्कूल्स होते हैं उनकी बिल्डिंग्स तैयार करना, एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, और गांव की जो भी कुछ सामान्य समस्याएं होती है, रेगुलर जो भी कुछ बातें होती है उनका ख्याल रखने का काम ग्राम पंचायत को करना पड़ता है। नंबर टू लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। अब वहाँ पर जो भी कुछ काम किए जाते हैं उन पर टैक्सेस होता है, वो टैक्स लेना यानी कि घर हो, पानी हो, रोड हो, उनके ऊपर जो भी कुछ टैक्स होता है उनको वसूल करने का काम भी ग्राम पंचायत के थ्रू किया जाता है। नंबर थ्री, देखो नंबर थ्री में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कुछ स्कीम्स आती है, योजनाएं आती है, वो लोगों को अच्छी तरह से बताना और
विलेज में उन स्कीम्स को, जो भी कि कुछ गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स आती है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम इस ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में फंड्स कहाँ कहाँ से आते हैं, देखिए, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। देखिए, जो घर होते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, वहां से जो टैक्स वसूला जाता है, इनसे गांव के डेवलपमेंट का काम थोड़ी मात्रा में किया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। देखिए, जिला पंचायत यानी कि हम इसे जिला परिषद भी कहते हैं, और जनपद जो होता है यानी कि हम इसे पंचायत समिति भी कह सकते हैं, वहां से जो भी कुछ फंड आते हैं वो फंड्स ग्राम पंचायत गांव के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकती है। ओके, देखिए नेक्स्ट है, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा। कम्युनिटी वर्क्स के लिए जो डोनेशंस होते हैं, वो डोनेशंस का इस्तेमाल भी गांव के इस जो डेवलपमेंट होते हैं, विकास कार्य होते हैं, उनको करने के लिए किया जाता है। ओके, एज दिस वे स्टूडेंट, हमने ये जो चैप्टर है इसकी इंफॉर्मेशन ली है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।